हाय प्यारे दोस्तों, एबीसीसी यानी बड़ी कैन कुक लेकर आया है लाल मिर्च की अचार की सिंपल सी रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारी सी रेसिपी। यहाँ मैंने लिए हैं 250 ग्राम लाल मिर्च और इनको मैंने धो के अच्छी तरह से कपड़े से पोंछ के सुखा लिया था। और इसके बाद मैंने इसमें लंबा कट लगाया है मिर्च में, लेकिन मैंने इसके अंदर से बीज नहीं निकाले हैं, बीज को मैंने इसके अंदर ही छोड़ दिया है। और इसके बाद इसको मैंने कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रख दिया था ताकि इसका मॉइस्चर अच्छी तरह से सूख जाए। अगर धूप है तो आप धूप में भी 1-2 घंटे रख सकते हैं। चार पाँच घंटे बाद मिर्च बिल्कुल रेडी है। दूसरी तरफ हम मसाला तैयार करेंगे। मसाले के लिए मैंने कुछ स्पेशल मसाले लिए हैं जो आपके किचन में आराम से आपको मिल जाएंगे। ये है पीली सरसों लगभग 1.5 चम्मच, 2 से 3 चम्मच सौंफ है, 1.5 चम्मच साबुत धनिया, 1/2 चम्मच मेथी दाना, 1/2 चम्मच राई और 1/4 चम्मच मैंने इसमें कलौंजी ऐड करी है। इसके बाद मैं इसका एक कोर्स पाउडर बना लूँगी। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, हल्का दरदरा रहना चाहिए। अब एक फ्राइंग पैन में मैंने लगभग 200 मिलीलीटर सरसों का तेल है ये, इसको मैं गरम करूँगी। और गरम करने के बाद जब सरसों के तेल का रंग बदल जाएगा उस टाइम मैं गैस बंद कर दूँगी और इसे रूम टेम्परेचर पर हल्का सा ठंडा कर लेंगे। इसके बाद जो मसाले हमने पीसे थे वो मसाले इस तेल में ऐड कर देंगे। 1/2 तेल मैंने अभी लिया है और 1/2 तेल हम बाद में मिलाएंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच नमक मिलाया है और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लीजिए और चुटकी भर या 1/2 चम्मच इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे रंग के लिए, ताकि मसाले का रंग थोड़ा अच्छा आ जाए। इसके बाद सभी मिर्च में 1-1 चम्मच मसाला हम फिल कर देंगे। 1 चम्मच मसाला 1 मिर्च में सफिशिएंट है। इस समय ध्यान रखने के लिए एक बात है कि आपके जो भी बर्तन आप यूज़ कर रहे हैं अचार डालते समय, वो अच्छी तरह से सूखे होने चाहिए, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए वरना आपका अचार खराब हो सकता है। सभी मिर्चों को तैयार कर लीजिए मसाले भरकर। अचार से फायदा ये होता है कि जब आप मेन कोर्स सर्व कर रहे होते हैं तो इसे आप साइड डिश की तरह से खाने के साथ सर्व कर सकते हैं, जो आपके खाने के स्वाद को दुगना कर देगा। ये अचार बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छा बनता है। एक बार ट्राई करके देखिएगा, ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो लीजिए, सारी मिर्चें तैयार हो गई हैं। अब हम एक सूखा जार लेंगे जिसमें किसी भी तरह का मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल अच्छी तरह से आप कपड़े से पोंछ कर सुखा लीजिए और थोड़ी देर धूप में भी रख दीजिए। इसके बाद ही इसमें अचार हम ट्रांसफ़र करेंगे। अब धीरे धीरे हम सारी मिर्चें इस डिब्बे में रख देंगे। एक एक करके सारी मिर्चों को हम अच्छी तरह से बॉक्स में सेटल कर देंगे। इसके बाद जो बचा हुआ तेल है वो मिर्चों के ऊपर से पोर करते हुए आप डिब्बे में डाल दीजिए। सारी मिर्चों पर लगभग तेल इस तरह से डालिए कि सारी मिर्चों के ऊपर से होता हुआ नीचे जाए। और फिर इसके बाद इसे लिड लगाकर आप कम से कम 4 से 5 दिन के लिए धूप में रख दीजिए और ये बहुत ही डिलीशियस अचार आपका तैयार हो जाएगा। इसे आप इंजॉय करिए। यहाँ मैं आपसे लेती हूँ विदा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।